अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं आज का व्लॉग। आज शाम का ईद का सेकेंड डे व्लॉग है, सो चलते हैं। मैंने ये येल्लो कुर्ती डाला जो गिफ्ट मिले, बहुत ही प्यारा है। और ये फिर देखिए मम्मी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, यहाँ से मैंने ई रिक्शा लिया और हम ई रिक्शा पे गाना भी इंजॉय करके जा रहे थे, क्योंकि ई रिक्शा वालों ने बहुत अच्छा सॉन्ग चला रखा था, इंजॉय अच्छा लगा। ये देखिए डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ईद की वजह से ये डेकोरेशन है, हम बहुत प्यारा लग रहा था, रमज़ान में भी था बट ये ज़्यादा थोड़ा कर दिए थे तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर हम यहाँ से तीनों लोग ग्रामीण लिए और फिर यहाँ से गए, क्योंकि ग्रामीण वालों के भी बहुत सारे नखरे होते हैं, एक पे चार को बैठाते एक साइड में, तो क्या करें, जाना था तो एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो चलो चलते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रामीण वाले की भी तो बात माननी पड़ेगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ देखते देखते मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दे अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ ज्वाइन आर फैमिली। और यहाँ पे हम पहुँच गए सीसी, यहाँ पे क्राउड देख करना यार ऐसा लगा बस क्यों ही आए हम यहाँ पर, आना भी था क्योंकि अम्मी के साथ हमें कहीं ना कहीं जाना होता है और अम्मी को जाना था जमशेदपुर, तो उससे पहले हमें कहीं पे भी आना था, सीट ना होने की वजह से हमें बाहर वेट करना पड़ा। यहाँ पर सिस्टर बैठी, मम्मी भी यहाँ पर बैठी, और जैसे ये बैठती हैं यहाँ पर, ये देखो इनको, ये बैठते ही खड़ी हो जाएंगी, आप देखो ये देखो ये क्यों खड़ी हो गई बता सकते हो आप लोग, पानी गिरा रखे थे बच्चे। यहाँ पर देखिए छोटे भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया यहाँ से, फिर हम क्या करते, मम्मी ने हाय किया सब सबको, फिर हम क्या करते, फिर हमने सोचा कि क्यों ना घूम ले मार्केट में, फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं हम मूवी देख लेते हैं। मूवी देखने के लिए हम टिकट सो गए लेने के लिए, बट वहाँ पर हमने ये पूछा तो शो बिल्कुल फुल था, 9 से 12, 12 के बाद से कौन देखता। फिर हम क्या ही करते, इतने ज़्यादा लोग थे कि मैं पहली बार देखी थी ईद की वजह से, क्योंकि हम ईद पे कभी सीसी आए नहीं थे, फर्स्ट डे सेकंड थर्ड डे नॉर्मल डेज पे आते तो इतना क्राउड नहीं दिखता है, बट यार क्या बताऊँ मैं, मतलब ईद के दिन में सच में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पब्लिक होते हैं वहाँ पर। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉप वगैरह पर गए, ड्रेसेस देख रहे थे और मुझे अच्छा लगा कि लड़कों के हिसाब से यहाँ पर ड्रेस अच्छे, ट्राउज़र वगैरह जीन्स वगैरह अच्छे रेंज में मिल जाते हैं और क्वालिटीज़ भी ठीक ठाक होता है, तो आप ले सकते हो अगर आपको लेना हो। तो टाइम पास कर रहे थे क्योंकि सीट चाहिए था हमें। और ये देखिए मैं अपने ईयरिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि ईयरिंग भी गिफ्टेड है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अपने व्लॉग में सबको इंक्लूड करना चाह रही थी, क्योंकि ये मेरी पहली व्लॉग थी जिसमें मैंने अपने फैमिली को ऐड किया था। और यहाँ पर देखिए मेहंदी लगा रहे थे, मैंने पूछा कि प्राइस क्या है, तो बता रहे थे अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप लगवाओगे हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर गए क्या करते, तो हमें सब बेस्ट जो ऑप्शन लगा वो हमें लगा हल्दीराम, तो फिर हम यहाँ पर हल्दीराम में गए, भाई एंजॉय किए, सिस्टर मम्मी एंड देन मैं। और यहाँ पे बहुत हमें सुकून मिला पहुँच कर, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल शांति और अच्छा लगा। और जब हम इंटर किए तो मुझे एज़ यूजुअल आप देखते हैं कि हल्दीराम हमेशा अच्छा सा नॉर्मल सा एकदम होता है, डेकोरेशन रहता है बहुत सोबर सा। फिर हम डिसाइड किए स्टेयर से चले लिफ्ट से चले, फिर हमने सोचा कि लिफ्ट से ही चलते हैं। तो ये देखिए हम सब एक कैमरा में आए, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, सिस्टर मैं मम्मी एंड भाई, भाई मैं सबसे बड़ी हूँ बाकी सब मुझसे छोटे हैं। और फिर हम यहाँ ऊपर पहुँचते हैं और हमें बैठना था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ डेकोरेशन ज़्यादा प्यारा था, बट सीट ना होने की वजह से हमें यहाँ पे कॉर्नर में बैठना पड़ा। फिर क्या करते, कोई नहीं, जहाँ फैमिली होते हैं वहाँ पे इंजॉय हो ही जाता है, हम वहाँ पर बैठे यहाँ पर बैठे, बस फैमिली होनी चाहिए। और ये देखिए सिस्टर के साथ मैं अपना टाइम पास कर रही थी क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था, और भाई देख रहा था कि क्या लेना क्या नहीं, और ये मम्मी, सब सपोर्टिव है मेरे ब्लॉग में, सब चाहते हैं कि हाँ बस सपोर्ट आप लोग करें और हम आगे बढ़ें आप सबके सपोर्ट से, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये देखिए हमने ये लिया, लेकिन क्या होता है मम्मी लोग, अरे ये क्यों ले लिए, इससे बेहतर तो हम जाकर नॉन वेज खा लेते, तो नॉन वेज कहिए था। ये देखो मम्मी ने दोबारा हाय, मैं सबको हाय हाय करवाए जा रही थी, ये हेलो करती है मेरी सिस्टर आप सबको, बट यार क्या कहूँ वहाँ पर हाइजीन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब जाते हो हल्दीराम, ब्रांड है तो अलग बात है, ये ईयरिंग मल्टी कलर है लेकिन बहुत मस्त ईयरिंग है। फिर हम क्या ही करते, फिर हमने एक्सचेंज किया क्योंकि हमें यहाँ पे सीट मिल गया जहाँ पर डेकोरेशन अच्छा था, तो फिर हम एक साइड दूसरे साइड आ गए और फिर हम सब खाना शुरू किए। और आप भी हमारे साथ आइए एंजॉय करें, मैं तो बस खुद सोची कि मुझे भी कोई ऐड कर ले व्लॉग में ताकि मैं भी दिखूँ, क्योंकि हो क्या रहा था मैं सबका शूट कर रही थी, मैं बिल्कुल फ्रंट पर आ रही थी, तो मैंने बोला यार मुझे भी यहाँ पर कवर कर लो व्लॉग में, तो इन्होंने भाई ने फिर मेरा वीडियो बना दिया। फिर देखिए मैं खाती पीती एकदम मस्त, ऐसी हेल्दी नहीं हूँ, बस खाती पीती हूँ मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। तो बस ये देखिए अच्छा खासा डेकोरेशन था, फिर हम वहाँ से सोचे कि अलबेग जाएं, अलबेग गए हैं तो यार बहुत ज़्यादा लोग समझ में नहीं आते क्या करें क्या नहीं। फिर हम गए डोमिनोज़ की भीड़ देखकर ना ऐसा लग रहा था बुखार आ जाएगा मुझे, इतने ज़्यादा लोग क्यों आ गए थे, कहाँ से आ गए थे पता नहीं।
मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या बोलूँ, सीट उतना ही कम, और कम क्या था, लोग ज़्यादा हो गए थे और उनकी सर्विसिंग कम थी, और आप जानते हैं यार। फिर हमने सोचा कि चलो कुछ बाहर ही कुछ खा लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पर ये खाएं, और बाहर खड़े होने का तो मन नहीं करता, फिर हमने छोटा नॉर्मल सी चीज़ें ही ले ली और सब ने एक एक बाइट लिया, और सब फिर से हम वापस डोमिनोज, क्योंकि हमने ऑर्डर करके गए थे तो हमारा ऑर्डर आने वाला था, और ये देखिए कितना गंदा है, हमने साफ़ करवाया इनसे कहकर। और फिर उसके बाद से हमारा पिज़्ज़ा आया जो मैं और राना मंगाए थे, फैज़ान ऑलरेडी खा चुका था, मम्मी हमें से ही बस ले लिया, और क्या करते हैं ना, बस खाना खाना नहीं खाना नहीं खाना, फिर हमसे ही ले लिए। वाह जी वाह, ये देखो हम अपना खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, और ये सिस्टर को कोल्ड ड्रिंक पीना था तो बस हमने इन्जॉय वगैरह किया यहाँ पर, बहुत यम्मी था। और फिर लास्ट में हम यहाँ से जब निकले यहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है क्या करके आए, मैं जंग लड़कर आया वहाँ से, इतनी भीड़ थी वहाँ पर। लास्ट में हमने सॉफ्ट ही लिया, मैं चॉकलेट वाला ली, बाकी सब नॉर्मल प्लेन लिए, फिर हम यहाँ से गए, और फिर हमने यहाँ से किया ग्रामीण, और फिर अपने घर को हुए रवाना, और फिर अपने यहाँ पर हम पहुँच गए ओखला की तरफ, और ओखला में आप देखो मेट्रो हमारा जामिया मेट्रो, फिर ऐसे ही बस घर तक गए। ये भाई जो हमारे साथ में गए थे, ये बर्गर फ्रेंच फ्राइज इनके लिए आया है, और इन्जॉय कर रही है देखो घर पे। ये है सूखे हड्डी से भाई। सो फ्रेंड्स अब घर आ गए हैं बिल्कुल, और देखिए मैंने बहुत सिंपल सा मेकअप नहीं किया था, बस आई जो काजल है वो यूज़ की थी, और लिपस्टिक एंड द ब्लश, और ये इयररिंग था। सो आज यहीं पर हम एंड करते हैं अपना ब्लॉग, और आप मेरे ब्लॉग को इन्जॉय किए होंगे, उम्मीद करते हो आप मेरे ब्लॉग को इन्जॉय किए होंगे। और गाइज ये जो काजल है जस्ट हर्ब का है, अमेजिंग काजल, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लगा है, बिल्कुल स्मज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो ट्राई ज़रूर करें, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये, और कमेंट करें मुझे मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और कमेंट करें मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्यार दे, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें मुझे वहाँ पर भी, और मेरे दूसरे चैनल जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसे भी फॉलो करें, आपको उसमें बहुत कुछ देखने का मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि वो एजुकेशनल चैनल है। सो होप, टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।